बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है। ये देखो पानी वानी, यहाँ से देखो रोड बहुत अच्छे से चालू हुआ है अभी। ये देखो हो गया इसका जगह फिक्स, ऐसे ही बैठ के जाएगा अभी वो। आज वापस रोड ट्रिप होगी। तारीख आज की तारीख कह रहे 15 जून। 15 जून मतलब बारिश का टाइम, तो हमने सोचा कि कोकण एक्सप्लोर करते हैं और मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे से जाएंगे। ये अपना बेंगलोर हाईवे से तो बहुत गए, अभी देखते हैं कि कोकण मतलब मुंबई गोवा प्रॉपर जो ओल्ड हाईवे था पहले, अभी जिसका रेनोवेशन चालू है उसकी हालत क्या है। बारिश में जाने के लिए वो रोड तो बहुत अच्छा है, तो ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप सच में वो रोड से ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते। पेट्रोल भराने के लिए रुके, पेट्रोल फुल करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। बहुत लेट हो चुका है वैसे तो, टाइम हो रहा है 2:39। पीछे पूरा सामान है, हम दो रही हैं, मैं और निकिता, और गोकू अंदर बैठे बैग में, इनको बाहर निकालेंगे थोड़ी देर में। इनका कैसा है ना कि थोड़ी गाड़ी चलने के बाद 1-2 घंटा शांत बैठते हैं बैग में, फिर उनको सुसुपोटी आती है तो बाहर निकलते हैं। ये चालू अपना मुंबई पुणे एक्सप्रेस है, अरे क्या हो रहा है, इनका भी गाड़ी पंक्चर हो गया। इधर बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं ऐसे, ये देखो साइड वाली गाड़ी पंक्चर हो गई, एक्सप्रेस हाईवे चढ़ते ही पंक्चर हो गई ये तो। कोई नहीं, अभी ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे एक्सप्रेस हाईवे, आगे जाके राइट लेके पुराने रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। आगे शायद बारिश हो रही है, थोड़ा ठंडा भी लग रहा है और ऐसा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है 3 बजे भी। देखो कितना अंधेरा हो चुका है वहाँ पे। आगे शायद पूना सातारा में बारिश होती रहेगी, वोडा में वहाँ पे जाना नहीं है, अभी देखते हैं अपने लिए बारिश कहाँ पर होती है। अरे बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है, ये देखो पानी वानी, अपने टायर ठीक नहीं है, पहला से 80 टायर का चला रहा हूँ। 59,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर मैंने कवर किया है टोटल रोडों, और टायर का पहला ही सेट है, टायर चेंज करना है। बट बोला ये राइड हो जाए 1000 किलोमीटर का जो भी राइड है उसके बाद टायर चेंज करूँगा, बट इसलिए मैं थोड़ा सावधानी से गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं स्लिप विप ना हो जाए। अगर सटक लेना गाड़ी आगे चतुन तो टायर के थ्रेड्स ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होते तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पानी सरफेस पकड़ेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आराम आराम से जाएंगे। इधर तो पूरा सूखा पड़ा है, देखो दूर दूर तक बारिश का बादल नहीं है, बीच में ही डग आए थे और बारिश बरसा के चले गए। अभी देखो मस्त क्लियर लग रहा है, दूर दूर तक दिख रहा है। खालापुर का टोल गया और यहाँ से ओल्ड हाईवे कनेक्ट करने के लिए ये ओल्ड रोड है, खोपली की टूवर्ड्स जो भी इमेजिका का रोड जाता है ना, इमेजिका के लिए वहीं से आगे जाके ओल्ड रोड को कनेक्ट हो जाएंगे। अरे देखो आगे जाके मानगांव से खेड़ होके आप हम लोग जाएंगे आगे चित्र। रोड अभी के लिए अच्छा है, आगे जाके कनेक्ट होने के बाद पता नहीं, बट बारिश ज़बरदस्त है। चाय पीने के लिए रुकते हैं क्या, या थोड़ी देर में रुकेंगे? 3:40 ही हुआ है, 4:30 बजे तक रुकते हैं, 4:30-5 बजे घूम जाएंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि ये बारिश में मुझे वो खाना है, कौन नहीं तो फिर मैं बोलता चला भज्जी भज्जी और चाय, ये बारिश में बहुत मज़ा आएगा। मतलब पता है लेट हुआ है फिर भी वो खाते खाते ही जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा रोड ट्रिप का। मतलब एक्साइटेड इसके लिए इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले ही बारिश चालू हुआ है और ये हमारा पहला बारिश का राइड हो गया रोड ट्रिप। आज ही न्यूजीलैंड मैंने अनुस्कुरा घाट दरट घोसड़ी और पूरा बंद हो गया, रोड चालू है बट लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ी 15 घंटा ट्रैफिक बंद था, थोड़ा भी नहीं 15 घंटा। और आज ही मैंने व्लॉग भी डाला है अनुस्कुरा का, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लो। उसमें भी अगर आप जा रहे हो ना बारिश में जाओ, बहुत मज़ा आएगा। वो घाट सही है, छोटा रोड घाट है बट देखने लायक है। कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, मज़ा आ रहा है, पर तगड़ी बारिश हो रही है। ट्रैफिक उतनी नहीं है बट बारिश और ये टर्न की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, लेट भी नहीं 70-80 किलोमीटर पर आगे स्पीड से चल रहे हैं, पर अभी अपने को आदत है ना कि वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और फिर बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे पर 110-120 चलाने का, तो इधर ऐसा लग रहा है कि स्लो जा रहे हैं, पर स्लो नहीं है अभी, और 8 घंटा बता रहा है कुड़ान पहुँचने के लिए। पनवेल 60 कोलाड 16, तो अभी यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न और ज्वाइन करेंगे मुंबई गोवा हाईवे। ये चालू हुआ अपना मुंबई गोवा हाईवे, वो कनेक्टिंग रोड था, ये अभी मेन रोड चालू हो गया।
यहाँ से गड्ढे चालू और सामने दिख रहे मुझे, और यहाँ से घर पहुँचने के लिए 7.5 घंटा लगेगा टोटल, मतलब 12-1 बजेगा आराम से यार। 369 किलोमीटर और बता रहे 369। रेनबो दिख रहा है क्या आपको वहाँ पे? हल्का सा है, मुझे नहीं दिखता, नहीं था मुझे भी दिखा नहीं था पहले। देखो वो वहाँ पे कहीं पे रेनबो है, मैं पता नहीं इसमें कैप्चर हो रहा है, गायब हो गया। हल्का सा है ना, एकदम लाइट है ये, दिखता है बता। ये पोलराइज ग्लेयर डाल के और अच्छे से दिख रहा है, सारी लाइट्स उसके खुल के दिख रहा है, बट वहाँ पे कहीं पे है। तो ऐसे ऐसे नज़ारे दिखते रहते हैं मुंबई गोवा हाईवे पे। ओल्ड हाईवे पे तो बहुत ज़्यादा दिखते थे, बाजू से वाटरफॉल वगैरह भी होता था। अभी इन्होंने पहाड़ काटे तो पता नहीं वाटरफॉल का, बट पहले दिखा था, बट वो बहुत ही डरावना घाट था। रेट नहीं लिखे थे ना, ये बंद है, देखो चालू होगा, ये पहला टोल है। यहाँ से सीधा पोलादपुर खेड़ और रत्नागिरी। फिर भी कोई तो छोटा सा घाट लगा है, छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ, खेड़ वाला छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये रोड बड़ा किया ना, तो फिर वो घाट का फील चला गया। देखो साइड से भी डोंगर पूरा काट दिया है, यहाँ से भी ऐसे बना दिया है। अरे नहीं, अपना डोंगर है, अपन ओकन मध्य आ गए अपन, तो अपना डोंगर ही है वो, ओकन कड़ा हो और अपना ये रोड ही है, और ये लेन नहीं है, ये अपना चौपदरी रोड है, ऐसा ही छे वो। ये बकरे बकरे मस्त है, बीच में रखा है उसको ऐसे शो पीस। ये मोर 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 दिसला शिट, मोर था उसके ऊपर। हाँ क्या, पीकॉक था यार वहाँ पे, मतलब वो टर्न पे उसका सिर्फ सर दिख रहा था। नहीं नहीं यहाँ से नहीं दिख रहा पूरा, वो साइड है शायद, वो नहीं नहीं दिखा पूरा, पूरा ऊपर जाने के बाद भी नहीं दिखा, बहुत अंदर के साइड था वो। हेलो चार्जिंग ना लगा इसे, ठीक है। मेरे को डर लग रहा था वहाँ पे, मैं मोर देखने गया और मेरे पैर के नीचे सांप आ रहा है, कोबरा। वाव बच का वीडियो है। अरे थांबोन करेला लगे, अरे यार ये मैंने जुगाड़ किया था,
वाइपर फ्लूड के लिए, मेरा टैंक वाइपर फ्लूड टैंक खराब हो गया है, उधर पानी कुछ भी मतलब स्टोर ही नहीं हो रहा, शायद चूहे ने काटा है। तो मैंने सोचा था कि मस्त चलते चलते यहाँ से बॉटल से मारूंगा, बट देखो ऐसे किया तो फिर हवा से सब पीछे जा रहा है। अरे रुकना ही पड़ेगा, ठीक है रुका देते रुको, इतने बार रुकेंगे। अरे मगर नाश्ता चाहिए केला था ना, कशाला स्पेशल अभी जाएगा देखा। जो टाइम पे ये वॉशर फ्लूइड की ज़्यादा ज़रूरत रहती ना बारिश के टाइम, वही टाइम पे ख़राब हो गया है मेरा। मतलब अगर आप हाईवे पे जाओगे बाजू से अगर ट्रक भी जाता है तो पूरा विंडशील्ड गंदा हो जाता है, कीचड़ कीचड़ उड़ के। ये रोड पे नहीं होगा बट आते वक्त होगा, वो बेंगलोर वाले हाईवे पे बहुत होता है। तो ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ पे सिर्फ अकेला बादल बेचारा भटक गया है। आणि अगर तिथून घाट जात असेल तर घाटात आता फॉग असणार आहे। सबसे अच्छा घाट मुझे कुंभारली लगा, लास्ट टाइम जब हम ये रोड से आए थे ना, तो अभी कुंभारली आएगा चिपलून के पहले लेफ्ट टर्न लेके कुंभारली कराड़ उमरज में कनेक्ट होता है, बहुत सही रोड है। अगर आप करना चाहते हो तो एक बार करो, और बहुत सारे टर्न्स भी है, खाने के लिए है, वाटरफॉल्स है, फॉग तो मतलब पूरा घाट फॉग से भर रहता है। यहाँ पे फॉग नहीं दिखा मुझे, और यहाँ पे फोटो खींचने के लिए बहुत सही जगह है। ये देखो ये पहले वाला घाट है, ये पहले वाला रोड है जिसमें मज़ा आता था। नॉस्टैल्जिया ये क्या है रे, चेकिंग हो रहा है क्या? नॉस्टैल्जिया जिसको बोलते हैं ना, ऐसा वो फील हो रहा है मुझे अभी। मतलब देखो बीच में सिर्फ एक पट्टा और बाजू आजू बाजू में सारी गाड़ियाँ आ रही है। रुको ज़रा चेकिंग वेकिंग रहेगा तो देखता हूँ कैमरा नीचे रख के। अरे अरे फेर नहीं है, अरे नहीं मुझे न्यू रोड नहीं चाहिए, मुझे पुराना वाला रोड चाहिए। रुक जा हम लोग यू टर्न लेके आते। अरे वेळेचं काय हाय का व्लॉगर साहेब, 4 तास लवकर निघायचं। नहीं देख रुक जा, अब ये रोड से जाते हैं, ये रोड करने के लिए स्पेशली आना पड़ेगा सिर्फ घूमने के लिए, अभी कहीं पे पहुंचना है। नहीं बनाई जाती लवकर है। हाँ वो ऊपर वाला ही घाट लेंगे यार, थोड़ा सा लगा था 2 मिनट का, इतना खुशी हुई थी मुझे। अब ये वापस पुराना नया वाला गंदा रोड चालू। यार प्रगति जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे होनी चाहिए, ऐसा एक तो रोड रखो जहाँ पे जाके दिल को सुकून लगे, दिल को मजा आएगी। हाँ भाई कुछ रोड है उसमें तो मजा आता है, पता है मैं एक बार गाँव कितने टाइम में पहुंचा था, 22 घंटा वैगनर था मेरे पास तब, और अभी ये मैप पे टाइम दिख रहा देख रहा हूँ, घर से मेरे घर से 8 घंटा लग रहा है, और वो टाइम पे 22 घंटे में पहुंचा था, इतना मजा आया था मुझे। और सारे अंकल लोग ऐसे उतर उतर के देखने लगे कि घाट में क्या रुका है, क्यों फंसा है, और मतलब मैं मेरे दोस्त के साथ जाता था तो वो निकलता था चल चल के घाट पूरा, कि मतलब मैं चल के जा रहा हूँ थोड़ा देख देख के जा रहा हूँ तू आ जा आगे। और सबसे मेन बात मतलब पता है, कोकर वाले हर एक घाट में ना बंदर होते थे, ऐसे साइड में बैठे हुए बंदर, इस पे कट्टे पे बंदर रहते थे। देख जैसे नया कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, या फिर जैसे तो बोल रहे ना प्रगति वाला, प्रगति चालू हुआ है ना, सारे बंदर लोग हट गए यार, मतलब सब चले गए। वो अपने अपने घर चले गए रहेंगे, या फिर पता नहीं कहीं और चले गए रहेंगे, मज़ा नहीं है। क्या सीधा सीधा रोड घाट आपको क्रॉस करना है, फिर भी ब्रिज बांध के उसको क्रॉस करवा रहे हो यार, और सीधा सीधा रोड दे रहे हो। वो ट्रक वाला क्या मजा करते रहेगा यार, उधर नीचे उधर उसमें से घूम घूम के आता रहेगा वो। कितनी ज्यादा घर जंगल है, ये अंबोली पे स्टॉप है, अभी आएंगे और घाट आएंगे। ये घाट कौन सा था पर, कामटवाड़ी कामटवाड़ी उसका है। अभी आगे का घाट आएगा और उसे डायवर्जन मिलेगा ना, मैं हैवी व्हीकल में डालूंगा पुराने वाले रोड पे, मुझे नहीं आने नहीं रहा, देखते हैं कब मिलेगा। कूड़े भोगता है, हाँ देखो ये काम कर दिया इन्होंने, पहले कैसा था कि पूरा घाट चढ़ो उतरो, अभी इन्होंने टनल बना दिया, काम इजी हो गया, पहाड़ खोद के बस अंदर से चले जाओ, अभी कुछ क्रॉस नहीं करना है, टनल बना दिया इन्होंने। और
रोड ट्रक वाला टनल के ऊपर से जा रहा है, आगे जाके कनेक्ट होगा। अरे ये एंटर किया घाट में। अरे टनल अच्छा लंबा, काफी लंबा टनल है। सो जो टनल ही इतना लंबा है तो फिर घाट कितना लंबा रहेगा ऊपर से कवर करने के लिए। हाँ बहुत बहुत लंबा है। जरा देख मैप में घाट का नाम देख, पहले क्या घाट लगते थे, आंबा घाट, पोस्ते घाट, परशुराम घाट, कशेड़ी घाट, ऐसे एक के बाद एक घाट चालू हो जाते थे रत्नागिरी चिपलून के बाद। अभी घाट कब आया कब खत्म होगा कुछ आइडिया नहीं, बट टनल अच्छा है। देखो टनल मस्त बना है, पहले ये नहीं था शायद ना, हम जो हम लोग आए थे, ये अभी अभी बना है शायद। पूरा जंगल का ये पूर्ण है होता ना डोंगर, सब काट छाट के अंदर। हाँ मतलब मैं बचपन से रोड से आ रहा हूँ और बचपन से सारे पेड़ पौधे देख रहा हूँ, सारे पहाड़ देख रहा हूँ, और ऐसे अचानक से सब लेके जाएंगे। हाँ बट ऐसे ये तो किसने में लाइट लग गया, ऐसे बहुत गंदा लगता है कि मतलब अपना जो पहाड़ जो हमने बचपन में देखा था, ये नदी बचपन में देखी थी, वो अभी है ही नहीं। यहाँ वो देखो ब्लू ट्रक दिख रहा है आपको, वो रोड है घाट पुराना वाला, देखो सारे ट्रक है। जब मैं आपको बोल रहा था ना भोस्ते घाट भी लगता है, देखो भोस्ते घाट चालू, ये है अपना घाट। घाट अब घाट जैसा लगेगा नहीं, पहले बहुत मजा आता था मुझे तो भोस्ते घाट, मतलब भोस्ते घाट और परशुराम, परशुराम सबसे बड़ा घाट है, इसके बाद लगेगा शायद, बट अभी ये भोस्ते घाट चालू है। खम्भाट के जैसे लग रहा है मुझे तो। ये देखो भाई साहब इसने डिवाइडर पे ही चढ़ा दिया था ट्रक, पता नहीं कब चढ़ाया, बट देखो उधर से आया कंट्रोल छूटा और डायरेक्ट डिवाइडर पे। आगे का कांच वाच सब टूटा हुआ है, विंडशील्ड सब टूटा हुआ है, पता नहीं बहुत पहले का है, बट होता है। टर्न पे टर्न भी है और स्लोप भी है ना, तो ऐसे टाइम पे कंट्रोल छूटता है। ट्रक्स के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि लोडेड रहता है, और रात के टाइम भी वो रहेगा, बट बहुत गंदा सीन है। अगर आपको रोड सीधा सीधा भी लग रहा है, इजी भी लग रहा है ना, तो थोड़ा केयरफुल रहो, आराम से चलाओ, आराम से घर पहुँचो। टाइम ज़्यादा लगेगा ठीक है, बट आराम से जाना। यहाँ का भी पत्थर तोड़ दिया सब। ये रहा परशुराम घाट, जैसे भोस्ते घाट खत्म आधे घंटे में परशुराम चालू, और परशुराम में आगे देखो बारिश हो रही है, देखा, क्योंकि हाइट ही उतनी है, सारे बादल यहीं पर जमा है। अगर बारिश हो तो मज़ा आएगा, या तो परशुराम घाट में हो रहा है या फिर घाट के नीचे, सब ब्लू ब्लू हो चुका है। व्यू देख रहे हो सामने, ये व्यू देखते देखते हम लोग खा रहे सैंडविच और क्या रही चाय और वड़ा पाव वगैरह ठेवाला भाई। अरे भजी है, भजी लेते थे। हाँ बहुत लेट है, नाम क्या था, अमरबन, अमरबन ऐसा कुछ था, आमरण है, आमरण है। जैसे आप ये घाट चालू होता है ना परशुराम घाट, इसमें आपको लगेगा, बट ज़्यादा भीड़ रहेगी तो रुकना मत, सिर्फ स्नैक्स है, प्रॉपरली खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी और आगे रुकना पड़ेगा, तो हम तो हमें तो चाय वाय चाहिए था, मुझे भज्जी खाना था इसलिए रुक गए, पर अभी रुकते रुकते पूरा अंधेरा ही हो गया। मतलब सामने वाला व्यू अच्छा है, बट पूरा अंधेरे में जाना पड़ेगा। 200 किलोमीटर कवर किया है और 250 किलोमीटर और कवर करना है, तो मतलब पूरे अंधेरे में ट्रैवलिंग है आज। जितना भी रोड दिखा सकता हूँ आपको अंधेरे में दिखा दूंगा। अच्छा प्रॉपर्टी इनका, मतलब बहुत सारे जगह है और व्यू अच्छा है, अभी अंधेरा हो गया इसलिए, नहीं तो यहाँ से देखो हाईवे दिखता है, घाट दिखता है, वहाँ पे एक नदी सी कुछ जा रही है वो भी दिखती है। देखिए ये पूरा हाईवे अभी दिखेगा नहीं आपको, बट पूरा वहाँ से चालू होता है, वो वहाँ से लाइट दिख रही थोड़ी थोड़ी ऐसे घूम के पूरा उस तरफ, और ये एरो भी रखा है
एरो का पता नहीं किसको मारने के लिए किधर जाता है, बट अमरबन आम्रबन आम्रबन आंब्याच्या झाडाने सजलेलं असे ते वन आम्रबन। और यहाँ पे इतने सारे कॉटेजेस, शायद रूम्स है यहाँ पे। अभी हमने कोको को बाहर निकाल दिया है, मतलब गाड़ी में। अभी वो गाड़ी में घूमते रहेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे घर पे। तो ये भी है, पूल भी है इनके पास, पूल वहाँ पे है, बट यहाँ पे ये फाउंटेन है। बारिश में दो कपल भीग रहे हैं, दो प्रेमी छतरी पकड़ने। हमने नई लाइट लगाई है गाड़ी में, उसका भी ब्लॉग आएगा, बट आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लाइट्स है और फिर कैसे मज़ा आने वाला है वो भी। ये देखो, ये यड़े लोग घूम रहे हैं। ये देखो, ड्राइविंग सीट पे बैठ गए। मम्मी मेडिसिन कर दो। ये देखो, ये गाड़ी का कुछ इस तरह से सेटअप किया है मैंने। हुड लाइट लगा दिया है एलईडी, और ये ग्रिल लाइट्स अंबर कलर के। ये बल्ब भी मैंने चेंज कर दिया, एम्बर। तो ये हुड लाइट, मतलब सिर्फ एलईडी घुमा दिया और ये ग्रिल लाइट अच्छे दिख रहे हैं। प्लस मैंने फॉग लाइट भी चेंज कर दिया, पहले येलो थे, मतलब जैसे हेडलाइट है ना उसके कलर के थे, अभी प्रॉपर वाइट है। और इसमें एक डार्क येलो भी आता है, वो भी दिखाता हूँ। दो कलर है इसमें। ये वाइट चालू है, इसको वापस दबाओगे तो लाइट बन जाएगी येलो। देखो क्या थ्रो है इसका। अब ये प्रॉपरली आपको येलो दिखेगा। अब ये फॉग और बारिश में काम आएगा। अभी जाते वक्त टेस्ट भी करेंगे, पहली बार लगा के। अभी पहली बार ही गाड़ी निकाला है मैंने बाहर, बट ये देखो सिर्फ अभी फॉग लाइट पे है और ये इतना, मतलब वहाँ तक जा रहा है उसका लाइट। कैसा लगा? अभी रात में काम आएगा, दिन में कुछ समझता नहीं है, बट ये दिन में चालू रहता है। दिन में ये लाइट और ये हुड लाइट दोनों चालू रहता है, बट ये सामने से मुझे ऑरेंज वाली लाइट ज़्यादा अच्छी लगी। गाड़ी को वो फील आ रहा है। अभी ऊपर भी लगा नहीं थी, बट बोला कि बहुत ही ज़्यादा जतरा हो जाएगी, तो अभी फ़िलहाल के लिए नीचे। ऊपर वाली मिलेगी तो लगा देंगे। ये देखो गोकू मुझे देख रहा है, गोकू लाइट पहुँचता है और फिर निकल जाते हैं आगे। तो हमने इनका लीटर ट्रे यहाँ पे रख दिया है, ये लीटर ट्रे यहीं पे है, तो जब भी इनको सुसु पोटी कुछ भी करना है यहाँ पे आके करते हैं और वापस होते हैं। उस चलो ऑल सेट, अभी निकलते हैं पहुँचने के लिए। अभी 4-4.5 घंटा और लगेगा, रात ही होने वाली है। मिडनाइट ड्राइव, मिडनाइट इन कोकन। काय झालं कोकू? देखो सुसु बॉय। एक ओकी अरे पार्किंग मधून तर काढू दे आधी, इसका चालू हो गया। जैसी ये बाहर आता ना बस यही काम है उसको, मेरे कंधे पे आके बैठना। अभी वो पूरा बैठेगा, सो जाएगा उधर जब तक हम पहुंचते नहीं है, और दूसरा इधर उधर ढूंढा रहेगा कुछ ना कुछ। क्या बोलेगा काय करतो है तो असच करतो, आधी सेट होतो इकडे तिकडे बघतो मग तो बसतो। ये देखो आ गया, पिलो नाही ठेवली, त्याने दिलीच ना ठेवायला, तर हाय ना एक छोटो पिलो। सीट बेल्ट भी नहीं लगा सकता मैं, आता पहले सीट बेल्ट लगा। अरे तुमची सुसु नको काढायला, हो गया इसका जगह फिक्स, ऐसे ही बैठ के जाएगा अभी। मुझे भी नेक रेस्ट मिलता है, नेक पिलो मेरी मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये अभी सो जाएगा। थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, अभी हो गया ठीक। दूसरा किधर है, क्या कर रहा है? सो गया क्यों? वो मतलब ये मेरा कंधा पकड़ेगा और जो दूसरा आदमी है वो पिलो पकड़ेगा, पिलो पे सो जाएगा वो, ऐसा है। ये घाट अभी बहुत टाइम है, अभी अभी चालू हुआ है। येलो लाइट मैंने लगाया है, बट यहाँ पे अभी उतना दिख नहीं रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बंद करके। बोल रहा था कि जो पहले वाले घाट थे ना, उसमें जो बोर्ड्स रहते थे पता है, झोपाल तर संपाल, आवरा वेगाला, सावरा जीवाला, वो सब भी चला गया यार, वो चाहिए था। हाँ वो मज़ा आता था। ये ले जरा अपने बच्चों का पोजिशन दिखा, एक तो मेरे कंधे पे है
दूसरा क्या कर रहा है? काय करतो है? बस मैक्स से जाकर बसला क्या? अभी नहीं हिलेंगे जब तक पोच नहीं है, फिर तो सेटल जाले जब तक पोच नहीं, जब तक सुपोर्ट याद नहीं है कुछ तब तक नहीं हिलेंगे। नहीं रे ये चिपलून तक ही खराब है, आगे अच्छा है, इसका ब्रिज बन रहा है ना, फिर भी अच्छा रोड है, पहले बहुत गड्ढे थे यहाँ पे। ये जो अभी ये अच्छा रोड बना है ना, इसमें भी ऐसे गड्ढे गड्ढे थे, बहुत टाइम लगता था, अभी अच्छा है सब रोड। फिलहाल मैं तो बोलूँगा ये मुंबई गोवा हाईवे मुंबई बेंगलोर हाईवे से ज़्यादा अच्छा है। मुंबई बेंगलोर में बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक गाँव में डाइवर्जन डाले हुए, हर एक ब्रिज पर डाइवर्जन डाले हुए, पता नहीं उन्होंने क्या किया, हर एक ब्रिज का काम एक साथ में चालू कर दिया ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे कैसे कि ब्रिज ऑलरेडी बन चुके हैं, जो नहीं बने हैं बस वही बंद है, बट उतना उसका फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। रोड काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा रहेगा। देखो प्रॉपरली सारे रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं हर जगह पे। ये अंबाघाट में जैसे आपको बताया था ना रिफ्लेक्टर्स जैसा रोड दिखता है, वैसे ही है ये रोड। से रात में ट्रैवल करने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है अभी, बहुत पहले बहुत प्रॉब्लम होता था जो लाइट वाइट आता था सिंगल लेन था, बट अभी आप कभी भी आओ, कभी भी आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये देख कितना बड़ा ब्रिज बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेन का। अभी मस्त, मतलब ट्रैफिक नहीं होगा, जर्नी थोड़ी जल्दी ख़त्म होगी। NH 66 है ये मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई गोवा नेशनल हाईवे। मतलब मैं इधर गड्ढे बचा रहा हूँ ताकि इनको धक्का ना लगे, और इसका देखो क्या चल रहा है। हाँ मैं इतने सारे गड्ढे उनको बचा बचा के जा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से बैठे और ये एंजॉय कर रहा है। चलो अच्छी बात है, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बाकी अपना तो ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बट ऐसा लग रहा है कि वो लोग खुश है, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं है कुछ ट्रैवलिंग में वगैरह, बस उनको एक ही है कि पानी दो, खाना दो, सुसु पोटी कराओ, फिर हम लोग कहीं पे भी आएंगे। ऐसा उनका बिल्कुल नहीं है कि मैं 7 घंटे 8 घंटे ही बैठूंगा, ऐसा मैक्स का भी ऐसा कुछ नहीं है ना, तो उसको हाँ उसको अच्छा लगता है नया प्लेस एक्सप्लोर करना, बस उसको है कि 2-2 घंटे में उतरना पड़ता है सुसु पोटी ब्रेक ये सब। अभी जरा ही देखो कैसे गाड़ी चलो में क्या है ये। अरे शेप राजापुर का। अभी राजापुर यहाँ से 24 किलोमीटर बाकी है और हमें कुड़ाल पहुँचने के लिए कितनी का 3 तास, 2-2.5 घंटा पकड़ लो। पहले राजापुर पहुँचते हैं फिर खाने का देखते हैं, बिकॉज अभी 11 बजा लग तो नहीं रहे कि कहीं पे खाने मिलेगा, क्योंकि ये साइड उतने लोग हैं नहीं, ट्रैवल नहीं कर रहे, तो होटल्स वगैरह चालू रहना चाहिए, अदरवाइज वाट लगेगी। वैसे तो है चिप्स विप्स लेके घूम रहे हम लोग, बट खाना चाहिए ना, खाना मिलना चाहिए। क्या बिजली चमक रही है, बिजली हाय मेरी बिजली। ये देखना है ना, देख सफ़ेद मानुस। 335 किलोमीटर कवर किया अब तक, 450 जाना है तो उतना बाकी है। बाकी रोड अच्छा है, फास्ट जा सकता है और गड्ढे नहीं है, बस टर्न्स बहुत ज़्यादा है। और ये साइड से वोल्वो भी आ रहा है तो थोड़ा संभल के, देखो ये आ गई वोल्वो। और ट्रेन जाते हैं, इधर ट्रेन है, ट्रेन राइट साइड से विलावडेला जाणार ते आता राजापूर वरून। गोकू जातो का कोकण रेल्वेतून? ब्रिजवरून परत यूटर्न मिळायला पाहिजे ना आपल्याला, म्हणून मी इकडे टाकला। अभी सीन ऐसे हुआ कि हम लोग हाईवे पे तो लगे, बट जहाँ से लेफ्ट लेना था ब्रिज के नीचे से वो बंद था, तो अभी मैं थोड़ा रॉन्ग टर्न डाल के आया हूँ, बट यहाँ पे स्प्लिट नहीं दिख रहा है मुझे। अभी ये रोड कनेक्ट हुआ है, आगे कौन है ना, हाँ
राजापुर 14 किलोमीटर पे राजापुर, शायद वहाँ पे खाने मिलेगा। देख कुछ नहीं रहे होटल वोटल आजू बाजू, क्या करें, घर पे भी हमने बोल दिया खाना मत बनाओ। पर लगा सकते हो पॉटी टाइम हो गया इनका, पॉटी टाइम करो देना बहुत गंदा स्मेल आता है, पर अभी साइड में लगा देता हूँ मैं इधर। बाबा दोगाने के लिए तो कवर कर दे दोगाने के लिए। गुड बॉय। चलो अभी इनका टेंशन नहीं, मैं नीचे उतर के फटाफट। चलो इनका काम तो हो गया, पर ये फॉग लाइट पता नहीं क्यों डीम हो गया, इसको थोड़ा कनेक्शन का देखना पड़ेगा। बाकी सब तो प्रॉपरली चल रहा है, इसलिए मैं बोला कि इतना लाइट क्यों नहीं आ रहा है, येलो लाइट ही नहीं दिख रहा था क्योंकि वो बंद हो गया था। अभी करना पड़ेगा, आगे खाना खाने रुकेंगे ना तब थोड़ा देखता हूँ, इसका कनेक्शन थोड़ा लूज़ हो गया रहेगा कंटों पर। फॉग लाइट बंद झाली आहे म्हणून ते दिसत नाही आहे, मग अशी जे बोलत होती ना कनेक्शन लूज झालं सर। चलो अभी थोड़ा स्मेल है ना इसको, क्या करते हैं ना, इन्होंने पॉटी किया तो ये अंदर के अंदर नहीं घूमेगा, थोड़ा बाहर। इसको भी अगर मारती तो अच्छा था थोड़ा, एवढं सच ते बरोबर सरकले। चलो अभी निकलते फिर, त्या एवढ्या मोगरा मध्ये राहिले तर येतं तरी पण नाही। चलो अभी इनका पॉटी हो गया ना तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 3 बार करते हैं, सुबह दोपहर और शाम, रात को, रात का पॉटी दोनों का भी एक साथ डन। तो एक्चुअली एक ने किया तो दूसरा कर ही देता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, बस मिट्टी जो है जो लीटर बॉक्स था वो क्लीन होना चाहिए। अभी क्लीन कर दिया, अभी इनको सुसु पॉटी आएगी तो वो उधर कर देंगे। चलो अभी राजापुर खाना खाने के लिए रुकेंगे। फॉग लाइट कर देता हूँ बंद, वैसे भी कुछ काम का है नहीं। ओके तो यहाँ पे राजापुर में खाना खाया, एक होटल मिला, अच्छा नहीं था मतलब, ठीक है बाबू ये तो। मच्छी अच्छा था, पिलो ना पानी, कोने नाही पिलो याने पिलो जेवला पण कंटेनर कंटेनर जेवण ठेवलास हे बघ इथे बंद करून जेवण ठेवलं काढून। 12:26 12:30 हो गया रे, चल लवकर, दो तीन घंटा लगेगा। ये गोकू कुछ कर रहा है ना नीचे, इसके लिए रुको। ये गोकू चलिए और गोकू स्मेल ले रहे बाहर से, कौन आया क्या आया, चलिए ये अपना साथ ये हाईवे के लिए बस इतना ही था। अभी हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट लेके जाएंगे गाँव। पहले आपको हाईवे दिखा दूँ, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया हाईवे है, मतलब आराम से आप 110-120 के स्पीड से आ सकते हो, गाड़ी ज़रा भी हिलती नहीं है, ट्रैफिक नहीं है और गड्ढे तो कुछ भी नहीं है, बहुत सही रोड है। आप यहाँ पे आके देखो एक बार, बहुत मज़ा आएगा। ये देखो ये मेरे साइड में जो हाईवे जा रहा है ना, पूरा मुंबई का हाईवे। अभी यहाँ से जाते हैं लेफ्ट लेने, अंदर का रोड जाएगा मानगा दत्त मंदिर।
पहुंच गए 12 घंटे में, वहाँ पे सिर्फ आंबोली घाट में 12 घंटा लगता था और यहाँ पे पहुँचने के लिए 14 से 15 घंटा पकड़ लो आगे। तो वो डिफरेंस है, डिस्टेंस कम है, टाइम कम लगता है, पर रोड थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो तो उधर भी चल रहा है, इसलिए मैंने बोला कि यहीं से आते अभी जाते हैं।